गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप सो बढ़िया होंगे। मैं भी बिंदास। सो आज का दिन शुरू हो चुका है, मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, सुबह सुबह ही बारिश हो चुकी है और मेरे को काम से जाना था। वो मैं काम आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं अभी अपने दोस्त से मिलने जाऊंगा और उससे पहले मुझे ATM जाना है कैश निकालने के लिए, तो मैं अभी कैश निकालने भी जाऊंगा, उसके बाद जाके फिर दोस्त से मिलूंगा, उसके बाद फिर अपने उस काम के लिए जाऊंगा। ये सारी चीज़ें आपको वीडियो के आगे पता चल जाएगी, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने ATM से पैसे निकाल लिए और अब मैं अपनी जर्नी की तरफ जा रहा हूँ। पंजाब नेशनल बैंक का ATM से मैं पैसे निकालता हूँ, क्योंकि यहाँ का ये सबसे बेस्ट बैंक है और यहाँ पे आपके पैसे अटकने के चांसेस कम रहते हैं। बाकी सारे जगह में पैसे अटकने के चांसेस आपके ज़्यादा रहते हैं, इसकी वजह से मैं बाकी जगह को नहीं चूज़ करता। दोस्तों, बल्लभगढ़ आ गए हैं। ये दिल्ली से 21 किलोमीटर दूर है। ये बड़े बड़े शोरूम के लिए फेमस है। अगर आपको बाइक पसंद है, कार पसंद है, तो आप यहाँ पे जरूर आए। लेकिन ये बहुत क्राउडेड प्लेस है। अगर आपको क्राउडेड प्लेस नहीं पसंद, तो आप यहाँ पे शायद अनकंफर्टेबल भी फील कर सकते हैं। बाकी फिलहाल मैंने अपने दोस्त को फोन कर दिया है। इसके अलावा मैं तब तक अपना काम कंप्लीट कर लेता हूँ, जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ। दोस्तों, प्रॉब्लम आ गई है, ऑफिस वालों का कॉल आया है, तो अब मेरे को घर जाना पड़ेगा। इसी की वजह से दोस्तों, मैं अपने दोस्त से नहीं मिल पाऊंगा। मैंने प्लानिंग करी थी कि मैं आपको ये जगह घुमाऊंगा, यहाँ की अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाऊंगा, यहाँ की अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, लेकिन वो सारा प्लान चौपट हो गया है। ऑफिस वालों को क्यों कॉल आया? क्योंकि याद है, हम एक शूट पे गए थे, स्टूडियो फ्यूचर फॉरवर्ड, जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था, तो वहाँ की वीडियो पेंडिंग रह गई है। जो पूरा शूट हुआ था, उसकी वीडियो पूरी बनानी है मेरे को। हालांकि मैंने 2 दिन पिछले दिए हैं और मैंने सोचा था कि आज संडे वाले दिन मेरे को रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो चीज़ नहीं मिली। मेरे को अभी भी जाके काम करना पड़ेगा। तो मेरे को बहुत बेकार सी फीलिंग आ रही है यार, कि मैंने सोचा था कि आज मैं आपको ये जगह घुमाऊंगा, लेकिन वो सारी चीज़ बेकार हो गई। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, निराश मत हो, अगली बार मैं आपको ये जगह ज़रूर घुमाऊंगा। तो फिलहाल तब तक आगे का देखें आप। आप ये सोचो कि मैंने यहाँ पे क्यों रोका। तो यहाँ पे रोकने की वजह मेरी एक ये वजह है कि ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ना साइड में, उस बिल्डिंग को बनते हुए अब तक 7.5 से 8 साल हो गए, अभी तक बनी नहीं है। जब से मैं स्कूल टाइम में था ना, तब से बनी नहीं है। पता नहीं क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ही चले जा रही है। घर आ गया, मैं बहुत थक गया हूँ और मैंने ऑफिस का काम भी स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अब ऑफिस का काम स्टार्ट किया तो थोड़ा बहुत गाने वाने भी तो सुनने चाहिए ना, बिना गाने सुने कैसे काम हो सकता। तो मैंने फिर अपने गाने स्टार्ट कर दिए। ये मेरे फेवरेट गाने हैं कुछ। जब तक जिंदगी में गाने तो मजा कहाँ है, मजा कहाँ है, मजा यहाँ है। सानू अज कल शीशा बड़ा छेड़दा, नाले छेती गल बात नहीं ना बेड़दा। तो दोस्तों, मेरी सेकंड वीडियो का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं रेस्ट करूंगा, बाकी मैं ये वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाऊंगा। और सबसे मेन कि जब भी हम कोई छोटे मोटे काम करते हैं, तो हमें खुद को रिवॉर्ड देना ज़रूरी है। अगर आप खुद को रिवॉर्ड नहीं दोगे, तो आपको वो काम करने में मज़ा भी नहीं आएगा। हालांकि मैं अपने आप को रिवॉर्ड देने से पीछे कभी नहीं हटता, तो मैं तो अपने आप को एक रिवॉर्ड दूंगा। तो वो रिवॉर्ड भी आपको नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा कि मैं अपने आप को क्या रिवॉर्ड दूंगा। बाकी फिलहाल अब हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया जानने को मिलेगा मेरे बारे में और मेरी लाइफ के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपने सब। बाय, टेक केयर। तो जिस रिवॉर्ड की बात करी थी, मैं वो रिवॉर्ड लेने जा रहा हूँ, लेकिन आपको अभी नहीं दिखेगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखेगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो तक का वेट करें।